रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाए लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। इन राज्यों पर मंडरा रहा है आंधी तूफान का सबसे ज्यादा खतरा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू 24 टाइम लाइव न्यूज। हमारे चैनल को फॉलो करें। नई दिल्ली, उत्तराखंड में बर्फबारी के कारण आज केदारनाथ यात्रा बाधित हुई, जबकि दिल्ली, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगहों पर तेज तूफान 50 से 70 किमी प्रति घंटे तक चल रहा था। आंधी के साथ छिड़काव विभाग ने तूफानों के साथ उगने वाले भारी तूफान जारी किए हैं और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गड़गड़ाहट की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और चंडीगढ़ के विभिन्न स्थानों में अगले 24 घंटों में बारिश या आंधी के साथ छिड़कने की संभावना है। साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई स्थानों पर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कई स्थानों पर अगले 24 घंटों में बारिश या बारिश की संभावना भी है। इसके अलावा उत्तरी राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में बारिश या आंधी के साथ छिड़कने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा और झारखंड में कई जगह हैं अगले 4 से 5 दिनों में बारिश या बारिश की संभावना है। दक्षिणी प्रायद्वीप, केरल, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी में वर्षा अगले 5 दिनों में बारिश होने की उम्मीद है। उत्तर प्रायद्वीप, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 11 मई से बारिश की संभावना है। इसके साथ ही हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम बादलों से अलग हो जाने की उम्मीद है। साथ ही जम्मू कश्मीर, पंजाब, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तटीय दक्षिण इंटीरियर में विभिन्न स्थानों में तेज हवा की आवश्यकता है। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल साथ छेड़छाड़ की संभावना है। इसके अलावा तमिलनाडु, दक्षिणांतरिक कर्नाटक और केरल के विभिन्न स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वाराणसी में बुधवार 42 डिग्री से अधिक हो गया। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगरा, मेरठ, बरेली और मुरादाबाद में खराब मौसम की स्थिति के चलते तापमान 36 डिग्री के आसपास रहा। इस अवधि के दौरान कुछ क्षेत्रों में एक धूल तूफान गर्मी से आंशिक राहत लाया। तूफान और तूफान के खतरे के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के स्कूल मेरठ, गाजियाबाद समेत कई जिलों में प्रशासन के निर्देशों पर 12% तक बंद हुए हैं। लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी में मजबूत सूरज की रोशनी ने लोगों को घरों में रहने के लिए मजबूर किया। इस समय के दौरान सड़कों पर कम भीड़ थी, जबकि बाजारों में आमतौर पर चुप्पी फैल रही थी। तापमान वृद्धि के दौरान लोगों के बीच बिजली आंदोलन कई क्षेत्रों में बड़ा हुआ। मौसम विभाग के अनुसार प्रणाली की कमजोर होने के कारण बारिश में कम बारिश हुई। हालांकि देर शाम कुछ क्षेत्रों में बारिश और बारिश का डर है। झांसी में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 2 डिग्री था। इलाहाबाद में दिन का तापमान 43 डिग्री था और वाराणसी में यह 42 डिग्री सेल्सियस था। बरेली में दिन का तापमान 34 डिग्री था, मुरादाबाद 35 डिग्री था और आगरा में 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। लखनऊ में आर्द्र गर्मी के दौरान दिन का तापमान 41 डिग्री अंक दर्ज किया गया। हालांकि कानपुर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री था। वाराणसी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार गर्मी बारिश के चलते सड़कों से गंगा घाटों के लोगों के आंदोलन में काफी कमी आई है। ऐतिहासिक असी घाट से दशाश्वमेध घाट और मनमाडांद घाट तक लोगों की चिंताओं को पिछले 3 या 4 दिनों के लिए बहुत कम देखा जाता है, आमतौर पर पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के कारण। गंगा घाट उन्हें बहुत ही परेशान है, क्योंकि उन्हें वेतन दिवस और रोटी बनाकर आजीविका कमाने में सक्षम नहीं है। असी घाट में पूजा सामग्री बेचकर अपनी आजीविका चलाने वाले विनोद कहते हैं कि वे पिछले 10 सालों से सामग्री बेचने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसी बुरी स्थिति नहीं देखी। गंगा में अपनी आजीविका चलाने वाले रामचंद्र निषाद ने कहा कि गर्मी के कारण उनके काम से संबंधित व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुआ था। इस सीजन में आमतौर पर दिन के दौरान नौकाओं की संख्या कम हो गई थी, लेकिन कई दिनों तक बढ़ती गर्मी के कारण पूरे दिन लगभग कोई काम नहीं मिलता है। शाम को थोड़ी कमाई होती है। नाविक गोल्ड लाल और अवधेश कुमार जो मेरे पास हैं,